हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा होगा और सुपर हीरो के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एटर्नल्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे एटर्नल्स के ओरिजिन, उनके सुपर पावर और कुछ फैक्ट के बारे में। तो बिना किसी को मॉडल बनाए चलिए शुरू करते हैं। एटर्नल्स का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जून 1996 के एटर्नल इशू 1 में और इन्हें क्रिएट किया था सर जैक कर्बी ने। बात करें इसके ओरिजिन के बारे में तो कॉमिक्स में एटर्नल को क्रिएट किया था सेलेस्टियल ने। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सेलेस्टियल कौन है तो आपने 2014 की मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तो देखी ही होंगी। उसी मूवी में सेलेस्टियल का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जब वो 1 मिलियन ईयर पहले अर्थ पे आए थे। तो उन्होंने उस टाइम के ह्यूमन स्पीसीज पे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण 2 डिफरेंट रेसेस क्रिएट हुए। फर्स्ट एटर्नल्स जो जेनेटिकली स्टेबल थे और उनके अपीयरेंस ह्यूमन जैसे थे, और सेकंड डेविएंट जो जेनेटिकली अनस्टेबल थे और उनका अपीयरेंस मॉन्स्टर जैसा था। फन फैक्ट ये है कि थैनोस एक एटर्नल है जो डेविएंट सिंड्रोम का शिकार है, एक ऐसी बीमारी जो जिसमें एटर्नल्स का अपीयरेंस डेविएंट जैसा हो जाता है। एटर्नल का लाइफ स्पैन ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट एस्गार्डियन गॉड जितना, बट वो इमॉर्टल नहीं होते। एटर्नल का बर्थ रेट भी बहुत कम होता है और वो ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, बट इसका रिजल्ट एक नॉर्मल ह्यूमन होगा विथ नो सुपर पावर। लाइक मैनी मार्वल हीरोज़, एटर्नल्स इनको भी उनके पावर कॉस्मिक रेडिएशन से मिले हैं। बात करें इसके सुपर पावर के बारे में तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सेकेंड एनर्जी प्रोजेक्शन जैसे सुपरमैन का हीट विज़न, थर्ड है टेलीपैथी टेलीकिनेसिस, फोर्थ है इल्यूजन क्रिएशन, फिफ्थ है टेलीपोर्टेशन। लेकिन बहुत से एटर्नल्स इस पावर को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि 2006 की सीरीज़ की माने तो टेलीपोर्टेशन में नॉर्मल से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी यूज़ होता है जिसके कारण एटर्नल्स अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। सिक्स्थ है फोर्स फील्ड जनरेशन, सेवन्थ है मैटर मैनिपुलेशन, मतलब कि वो लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और कंपोजिशन कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। 8 है जो सभी सुपर हीरोज़ में कॉमन है, फ्लाइट। किसी भी एटर्नल को मारना नियर इम्पॉसिबल टास्क है क्योंकि उन्हें अपने बॉडी के एक एक मॉलिक्यूल पे कंट्रोल है और वो खुद को एक पल में रिस्टोर कर सकते हैं और वो कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करके कुछ सर्टेन एबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि सर जैक कर्बी मार्वल को छोड़ के कुछ टाइम तक डीसी कॉमिक्स के लिए काम किए थे जहां उन्होंने न्यू गॉड्स के स्टोरी लाइन पे काम किया था। तो मार्वल में वापस आने के बाद उसी स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एटर्नल्स का क्रिएशन किया था। और मेनली कॉमिक बुक इंडस्ट्री में आर्टिस्ट और राइटर के एक पूरा पैनल किसी भी नए कॉमिक बुक या कैरेक्टर पे काम करता है, बट एटर्नल के केस में ऐसा नहीं है। एटर्नल को पूरी तरह से जैक कर्बी ने क्रिएट किया था, कैरेक्टर डिज़ाइन से लेके स्टोरी तक। वेल दैट्स व्हाई ही वाज अ लेजेंड। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और नीचे में जो खूनी लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके ग्रे बना दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और यूज सैनिटाइज़र।